जैनब जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया कि यू आर एन आर्टिस्ट आप पेंटिंग yes. करती हैं तो कैसे हुआ ये शौक सबसे पहले मुझे ये बताएं कितने साल हो गए आप कर रही हैं आपको ये शौक कैसे मुझे आया? मुझे ऑलमोस्ट जो है टेन टू ट्वेल्व इयर्स हो गए पेंटिंग mm -hmm. करते हुए मैं, मैं शौक तो ऑब्वियसली बचपन से बहुत ज़्यादा था ओ लेवल्स में ए लेवल्स में आर्ट्स को ज्यादा सब्जेक्ट लिया अच्छे ग्रेड्स मिले अप्रिसिएशन मिली टीचर्स से जैसे मेरे एक ए लेवल्स के टीचर थे जिनका बहुत सपोर्ट रहा है जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है तो फिर जो है जब एजुकेशन में आप चले जाते हो मतलब जब मैंने ग्रेजुएशन की बैचलर्स अपना किया वो तो ऑब्वियसली आर्ट्स में नहीं किया क्योंकि एज अ प्रोफेशन कभी सोचा नहीं था hmm. कि इसको आर्टिस्ट को एज अ प्रोफेशन करूँगी कैरियर लेकिन जब मेरी एजुकेशन मैंने अपनी कम्प्लीट कर ली तो रियलाइज़ हुआ कि अब टाइम है कि इंडिपेंडेंट होना है कुछ करना है तो पेंटिंग तो मैं ऑल दीज ईयर्स कर रही थी अच्छा

तो जब मैंने उधर पोस्ट किया और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मिली तो वो चीज और मोटिवेट की मुझे कि मैं इसको और वो है लार्ज एबस्ट्रेक्ट आर्ट जो फुल साइज होते हैं फुल वॉल जो मिनिमल किस्म के इंटीरियर के अंदर एक जो पर्सनलिटी एड करता है रूम में

उससे मुझे ना बहुत मजा आता है तो मैंने ऑलरेडी पेंटिंग तो बना ली है लिया जस्ट्रेट सिंपल पेंटिंग लेकिन जो गोल्ड लीफ का इफेक्ट आएगा ना इसके ऊपर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी तो स्टार्ट करें मैं जरूर <laughs> देखना चाहूंगी कि इसका <laughs> रिजल्ट क्या निकलता है एक्साइटेड आपको इस पे गोल्ड लीफ लगा के दिखाऊंगी हाँ हाँ प्लीज ठीक है चले आप स्टार्ट करें हम आपकी तरफ दोबारा आए बैक टू यू है मेरे ख्याल में आप मुस्कुरा रही थी कि आपने आज बरसात के मौसम में पकौड़ा तो नहीं खाने मैं वो स्कॉर्पियो की वजह से सोच रही थी कि आज का दिन जो है वो थोड़ा सा बुरा रहेगा स्कॉर्पियो so के लिए यस स्कॉर्पियो ओके चले कोई नहीं टेंशन नहीं लेनी अच्छा हो जाएगा अच्छा कहां तक पहुंचा आपका पहुँचा आप ग्लू जो है ना ये हमारी ऑलमोस्ट जो है ड्राई हो गई है तो इसके ऊपर हम गोल्ड लीफ अप्लाई करते हैं आप मैं चाहूंगी कि जरा कैमरे में पकड़ के दिखाएं कि आपने किस तरह से उसकी अलाइनमेंट की है ग्लू की ताकि आप जो हमने गोल्ड लीफ लगाना है इसके ऊपर वो प्रॉपर नजर आए ये जो है ना ये जो ये गोल्ड ग्लू अप्लाई किया है इसकी अब स्टिकी लेकिन जैसे जैसे वो ड्राई हो रही है स्टिक ज़्यादा कर रही है, है। ज़्यादा स्टिकी हो रही है तो अभी हम इसके ऊपर गोल्ड गोल्डिफ अप्लाई करेंगे तो उसका लुक मैं आपको फिर दिखाती हूँ कैसा आता है अच्छा जैनब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने आ, आर्ट स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में कितना मुश्किल तो मतलब जिसको आता होता है करना आर्ट उसको मुश्किल नहीं लगता लेकिन आपके लिए क्या सीन था उस टाइम पे उस टाइम पे मुश्किल तो नहीं था मैं तो आपको बताया ना बहुत ऑलमोस्ट मुझे ट्वेल्व ईयर्स हो गए करते हुए तो मुश्किल तो ऐसा नहीं था लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे अपनी चीज अपना डिस्प्ले करना और वहाँ से जो भी क्रिटिसिज्म जो, थी थी जो हाँ। आता है वो लेना वो, वो, वो थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन कैसा क्रिटिसिज्म आ सकता है आर्ट पर मतलब आपका एक बार मतलब एब्स्ट्रैक्ट है तो लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी ये क्या बना दिया ये क्या कर दिया तो ये लोग इस ये समझ नहीं सकते कि इसका जो एक लार्ज कैनवस पे इम्पैक्ट है ना एक जो इंटीरियर के साथ वो एक डिफरेंट चीज़ होती है अच्छा, वो जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में एक आर्टिस्ट की तरफ से मैसेज जा रहा होता है मतलब वो जो भी आप मेनली जो है मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ना जो मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट है वो मेनली एक रूम में पर्सनालिटी ऐड करना है ओके एक मिनिमल से इंटीरियर के साथ एक लार्ज आर्ट वर्क की जो वो जो एक ओवरऑल ओवरऑलिटी एड करता ना करता ना रूम में वो चीज़ होती है और जो मेरा मीडियम्स है मैं खाली ये अभी इस वक्त मैं टेक्स्टर ऐड नहीं कर सकती थी मैं ज़्यादातर जो है टेक्स्टर ऐड करती हूँ कि टेक्सचर जो होता है वो इम्बोस्ड किस्म का आर्ट होता है <laughs> कि एक तो आप पेंटिंग देखते हो और पेंटिंग के साथ एक सिर्फ मैं दिखाना नहीं चाहती उसको मैं फील भी कराना चाहती हूँ इट शुड बी मतलब वो टेंजिबल होता है आप उसको जब <laughs> टच करते हैं तो वो एक मतलब ये आप कैसे फील करा सकते हैं मतलब वो टेक्स्चर

वो तो मुफ्ता लेने आ जाते हैं तो क्या आपके फ्रेंड्स आपके पास आते हैं कि यार मुझे ये दे दो मैं अपने रूम में लगाऊंगी या हाँ आते हैं तो, तो आपको तो मुझे लगता है बड़े मुफ्त में दिए होंगे फिर नहीं बहुत ज्यादा नहीं दिए <laughs> लेकिन हाँ बिजनेस बिजनेस कुछ-कुछ जब मैं ये एज अ प्रोफेशनल नहीं कर रही थी तो तब मैं मेरे लिए यही बहुत एक चीज होती थी कि किसी को मैं गिफ्ट कर रही हूं और ये उसको जो है वो अपने रूम का पार्ट बना के रखेंगे हाँ। ये तो मेरे लिए चीज एक बहुत अच्छी जब से आपने बिजनेस किया नहीं अभी एग्जीबिशन नहीं करी क्योंकि काम है वो मेड है तो इन फ्यूचर है फ्यूचर में इसके बाद क्या करने वाली हैं जब ग्लू हमारी प्रॉपर आएगी थोड़ी सी ड्राई तो हो गई है ये होगी अब मैं लगाती हूँ इस पे गोल्डी हाँ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ चले आप करें कंटिन्यू फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ कहाँ तक पहुँचा हमारा आर्ट ये हमारा बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो ये लुक आती है उसकी गोल्ड लीफ की वाह मतलब हम मतलब देखने में लग नहीं रहा था कि ये इतना मतलब अट्रैक्टिव लगेगा तो अगर यही चीज हाँ। अगर हम सिक्स फीट की कैनवस पे बनाएं तो वो जो इम्पैक्ट देता है ना वो बहुत अमेजिंग होता है ओके। और वो जो ओवरऑल में पर्सनालिटी ऐड करता है ना तो वो एक चीज़ बहुत जो है ना वो फैसिनेटिंग तो जैसे कि अभी आपने ये कुछ ड्रॉ किया ग्लू से आपने एक प्रॉपर शेप इसको दिया स्ट्रक्चर दिया है तो हम कुछ भी ड्रॉ करके कोई भी डिजाइन कोई भी अगर भी, हम कुछ फ्लावर बनाना चाह रहे हैं कुछ, भी, है, कुछ भी, 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 भी करके वो गोल्ड लीफ के थ्रू जो है ना हम ग्लू लगा के तो वो कर सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी है गोल्ड लीफ को अप्लाई करना काम करना तो वो इजी नहीं है वो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आ जाता है

सिल्वर में भी होता होगा सिल्वर भी होता है और, और दूसरे कलर्स में भी होता है हर कलर में अवेलेबल है है होता है। सब कलर्स में लेकिन मेनली जो यहाँ पर मुझे मिला है वो सिल्वर और गोल्ड मिला है लेकिन वैसे जो अगर हम कहीं और से करें बाहर से तो वो दूसरे कलर में भी अवेलेबल होता, होता है, है। तो एबस्ट्रैक्ट आर्ट दूसरे किसी भी आर्ट वक्त से कितना एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव तो है क्योंकि इसमें डिफरेंट मीडियम यूज़ होते हैं गोल्ड लीफ यूज़ होता है टेक्सचर जो है वो उसकी प्राइस डिफरेंट होती है पेंट्स होते हैं और काफ़ी मतलब डिफरेंट जितना भी आप यूज़ कर सको मीडियम तो वो तो तो आपके फेवरेट कलर्स कौन कौन से हैं जो मतलब जैसे अब आपको ऑर्डर्स आते होंगे तो लोग कोई बताते होंगे कि ये स्पेसिफ़िक कलर्स हमें चाहिए तो किस टाइप के कलर्स आजकल लोग पसंद कर रहे हैं मैं जो यूज़ मीडियम यूज़ कर रही हूँ वो acrylics हैं इक्रैलिक्स हैंक्स्चर एंड गोलीफ तो इसमें मेरा जो है ज़्यादातर काम है ऑयल में ऑयल में मैं ओल करती Okay. करती हैं अच्छा जो लोग आपसे ऑर्डर्स पे बनवाते हैं वो अपने घर का इंटीरियर आपको बताते होंगे कि हमें इस टाइप का ऑब्वियसली उनके घर के इंटीरियर उनके हर रूम के इंटीरियर के अकॉर्डिंगली उनके साथ डिस्कशन कस्टम मेड पेंटिंग्स को मैं ज़्यादा ज़्यादा साइड पर हूँ पूरे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें उनके हर रूम की थीम के अकॉर्डिंगली हम उनसे भी आइडियाज़ मशवरा लेते हैं ताकि उनकी से भी हो उनके आर्टवर्क में अच्छा तो आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है जैसे हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई सिग्नेचर स्टाइल होता है काम मेरा पे। जो है वो टेक्सचर है टेक्सचर है टेक्स्र तो आप जैसे इसमें डिफरेंस क्या होता है कि टेक्सचर में आपको इम्बोस्ड होता है embossed होता है वो सिर्फ कैनवस के ऊपर प्लेन पेंटिंग नहीं होती वो इम्बोस्ड होता है टेक्सचर एंड गोल्ड लीफ में मुझे काम करने का जो सबसे ज़्यादा जो है ना मज़ा भी आता है अच्छा अच्छा जैसे आपने बता बात की होगी कि अभी हमने देखा कि आपने हमें सारा अपना आर्टवर्क दिखाया आपने बताया कि आप तो जब आपकी पहली आर्टवर्क था आपका जो बिका था फेल तो हुआ था कब था और कैसी फीलिंग थी वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ही जब शेयर किया अपना प्रीवियस आर्टवर्क सारे लगा शुरू किए वो मतलब एक वो अप्रिसिएशन रिकग्निशन मिली उसके बाद जब पहली मेरा ऑर्डर आया वो एक घर की मतलब थी अच्छा। तो वो मुझे उन्होंने ना मेरे ही आर्ट वर्क करके उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये चाहिए चाहिए तो वो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी मतलब उसी ऑर्डर की वजह से है वो मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं आगे इसको जो है सेल करूं और इसको guru, मैं प्रोफेशन प्रोफेशन एज जो है बनाऊँ और मतलब ये फीलिंग जो होती है ना कि आपका आर्ट वर्क किसी के घर का पार्ट है वो एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग होती है डेफिनेटली तो अब आप मतलब कितने दिन में तो मेरे ख्याल जैसे साहब ने बताया आपको एक दिन में बीस लग जाते हैं सॉरी एक आर्ट करने में बीस दिन लगते हैं तो महीने में कितना मतलब आप कर लेती हैं यहाँ बहुत ही ऑक्यूपाइंग सिचुएशन होती है कि okay, आप ज़्यादा तो होते हैं ज्यादा ही है ऑक्यूपाइड होती हूँ मतलब कर रही होती हूँ मतलब क्योंकि पूरे मैंने बताया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो पूरे घर की पेंटिंग होती है तो उनको वो टाइमिंग हो जाती है कि मतलब थर्टी डेज एटलीस्ट उनको थर्टी फोर्टी डेज पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है तो फिर वेल थैंक यू सो मच जैन फ़ॉर ज्वाइनिंग एंड इट्स वेरी लवली एंड आई होप के आपका जो ये आर्ट वर्क है <laughs> लोग भी पसंद करें थैंक यू सो मच थैंक यू डॉक्टर आमना एंड थैंक यू डॉक्टर आयशा फॉर जॉइनिंग अस और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए शो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय